दौरान पीएम मोदी ने विमुद्रीकरण पर कहा कि काला धन के खिलाफ देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पीएम ने कहा कि इस फैसले का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि काले धन वाले लोगों को तैयारी का वक्त नहीं मिला। भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया, संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया।